Good morning everyone. Today in this video we will discuss question number 4 from exercise 5.2 of skewness frequency distribution. Okay, question number 4 thoda sa lengthy lag raha hai lekin hai nahi, bas lengthy kahan pe hai, iski jo frequencies hai bahut zyada dekh ke rakhi hai, theek hai. To same type ka sum hai, kuch bhi difference nahi hai. Okay, kya karna hai, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, देन मीडियन फाइंड करना है, देन क्वार्टाइल 1 फाइंड करना है, क्वार्टाइल 3 फाइंड करना है, देन सब वैल्यूज को पुट करना है बॉलीज मेथड में, यानी कि बॉली ने जो फॉर्मूला दिया है स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए, ठीक है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. द कमीशन पेड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट टू एजेंट इन अ ब्रांच ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग अ मंथ हैज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फाइंड द कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बॉलीज मेथड. ठीक है, चलिए देखते हैं. कहा यह है कि एक कंपनी है जो कंपनी कमीशन पेड कर रही है इंश्योरेंस पॉलिसी पे, और उसके रिगार्डिंग डेटा देके रखा है. कमीशन कितना दिया हुआ है, 10 to 12, ठीक है, 10 to 12, ओके, इन थाउजेंड्स दिया हुआ है, ठीक है. तो 10,000 to 12,000, 12 to 14,000, लाइक दैट. और कितनी कंपनीज है जो ये कमीशन पेड करती है, ठीक है. देर आर टोटल 4 कंपनीज विच आर पेइंग कमीशन बिटवीन 10,000 to 12,000. तो इस तरह से इसको पढ़ा जाता है. तो अभी सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, सब में 2-2 का डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले 4 + 10 = 14, 14 + 16 = 30, 30 + 29 = 59, then 11, 111, 191, 223, 246 263 and 264. टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 264 ही है. अब वैल्यूज फाइंड करते हैं फॉर मीडियन. सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ n by 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है. हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 264. ठीक है, 132 कहाँ पे लाइज करता है वो देखना पड़ेगा. तो 111 and 191 के बीच में 132 फॉल करता है. तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट पे जो क्लास दिया है वो हमारा मीडियन क्लास होगा. कितना है, 20 to 22, पुट करते हैं लोअर लिमिट, 20 + n/2 = 132. प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 111, फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट सिलेक्टेड मीडियन क्लास 80, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 क्लास लेंथ. सॉल्व करेंगे, 2 1, ये कुछ होगा 20, ओके, 23.53 इज अवर मीडियन. देन क्वार्टाइल फाइंड करेंगे, सेम, सबसे पहले Q1 का क्लास फाइंड करेंगे, कितना होगा,
value of n by fourth term or fourth observation, ठीक है, 264 कितना आएगा, दैट इज 66 अब देखते हैं 66 कहां पे फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे 59 एंड 111 के बीच में फॉल हो रहा है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे दैट इज 18 to 20, ओके, लोअर लिमिट क्या होगी, 18 प्लस एन बाई फोर इज 66, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 59, क्लास सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी 52 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ विच इज 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 ठीक है 7 by 26 which is equal to 0.27 ये आपकी वैल्यू आ गई है Q1 के लिए, ओके अब फाइंड करते हैं Q3, सेम प्रोसेस, Q3 क्लास वैल्यू ऑफ 3n by फोर्थ टर्म फोर्थ ऑब्जर्वेशन n by फोर्थ हमें पता है दैट इज 66 आंसर आएगा आपका 198 तो अभी 198 कहां पे फॉल कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा तो 190 इज फॉलिंग बिटवीन 191 एंड 223 ओके वो देख लेते हैं Q3 का क्लास क्या होगा 20 to 24 फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज ठीक है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ठीक है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी क्या है 191 और सिलेक्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी 32 वो हमने पुट कर दी है आगे सॉल्व करेंगे 198 माइनस 191 दैट इज 7 और 32 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 16 7 by 16 आंसर आएगा आपका 0.44 ओके तो ये हमने Q3 भी फाइंड कर ली है 22.44 अभी जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको फॉर्मूला में टू गेट द स्क्यूनेस ठीक है वैल्यू पुट करते हैं ठीक है 22.44 प्लस 18 प्लस 27 इज इक्वल टू 20.71 एंड 2 इंटू 23.53 इज इक्वल टू 41.06 इसका
माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आने वाला है, दैट मींस ये नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यहां से हमें पता चल जाएगा। अब कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, ओके, सो वी हैव सॉल्व द सम। क्या है सम में? सम में कुछ भी नहीं है, सिंपल से फॉर्मूलाज है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। देख लेते क्या हमने किया। सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, देन मीडियन को फाइंड किया है, देन क्वार्टाइल वन एंड क्वार्टाइल टू को फाइंड किया है, और जो भी वैल्यूज हमें ये तीनों पोजिशनल एवरेज में से मिली है हमने जस्ट उसको स्क्यूनेस के फॉर्मूला में पुट किया है और आंसर फाइंड किया हुआ है। तो आप देख सकते हो आंसर आ रहा है माइनस में, और एज वी नो कि जो कोफिशिएंट होता है एज पर बॉलिज मेथड उसकी जो वैल्यूज है वो लाई करती है माइनस वन टू प्लस वन, ठीक है। ओके, तो विच इज वेरी नियर टू जीरो, तो ये कह सकते हैं कि जो वैल्यूज होगी मीन मीडियन और मोड वो ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है इसलिए हम कहेंगे ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे बॉलिज मेथड रिगार्डिंग सम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, जितने टाइप के सम थे वो सब हमने यहाँ पे कर लिए है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट सम ट्राई करेंगे जिसमें डायरेक्ट वैल्यूज गिवेन है लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे उसको सॉल्व करने रहेंगे। थैंक यू।